जनाब अब हम चलते हैं हुए तुम अजनबी के म्यूजिक लॉन्च हुए तुम अजनबी के म्यूजिक लॉन्च जो कि इस वक्त थिएटर में हो रहा है। हम आपको पूरा अंतर वर्जन दिखाएंगे, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे और प्री मीडिया रिलीज दिखाएंगे। चले निकल लो मेरा नाम अली खान है और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला और यहां आए टू हेल्प अस सपोर्ट एंड प्रमोट आवर न्यू फिल्म। आई टेक ग्रेट प्लेजर ऑन बिहाफ ऑफ शाहिद फिल्म्स एंड मार्टवी वाला एंटरटेनमेंट टू वेलकम यू टू द म्यूजिक लॉन्च ऑफ द फिल्म हुए तुम अजनबी। अभी तक चाय समोसा लगता है किसी ने खाया नहीं है। दिस पॉइंट हुए तुम अजनबी Exactly. This challenging script as well as the direction of this romantic war saga of the 1970s is created by a renowned journalist and anchor person who's wearing a very snazzy jacket, Kamran Shahid. The film is produced by Shahid Films and Manuel Entertainment is the distributor of the film. The cast of the film has some seriously dynamic names from our industry. Mikal Zulfikar, Sadiq Khan, Sohail Ahmed Saab, Mahmood Aslam Saab, समीना बीजाला साहिबा, शाहूल अब्बासी, आयशा उमर, शफकत शीमा साहब, फिल्म स्टार शाहिद जो इस वक्त कनाडा में हैं, अदरवाइज ही डेफिनेटली बीइंग हियर। और आप ये सोच रहे होंगे कि अली खान यहाँ क्या कर रहा है, तो मैंने भी एक छोटा किरदार इस फिल्म में निभाया है। वो रोल क्या है, क्यों है, कैसे है, वो मैं ज्यादा इस वक्त बता नहीं सकता। इंशाल्लाह आप सब फिल्म देखेंगे और खुद ब खुद रिवील हो ही जाएगा। दिस फिल्म इज सेट अगेंस्ट द ड्रामेटिक बैकड्रॉप ऑफ द 1970s। इट्स अ लव स्टोरी और एक नहीं दो नहीं बल्कि 11 गाने हैं जो इंटॉक्सिकेट योर इमेजिनेशन। इंशाल्लाह इट विल फिल योर सोल, इंशाल्लाह इट विल फिल योर सोल विद लव एंड रिदम दैट हैज बीन मिसिंग इन पाकिस्तानी मूवीज सिंस डेकेड्स नाउ। विद 11 सॉन्ग्स दैट हैव बीन कंपोज्ड बाय मास्टर्स ऑफ म्यूजिक इन पाकिस्तान, नेम्स सच एज बाकिर अब्बास, साहिद अली बग्गा, तालिया तालिया तालिया, नवीद नाशार, गुजरात अली, melodious voices of Abida Parveen Sahiba, Ali Zafar, Asif Azhar that will definitely mesmerize your soul. Aaj hum isliye yahan hain is because we have the music launch of the title song of the film Hue Tum Ajnabi by none other than Ali Zafar. The poetry of the song The poetry of the song is written by the internationally renowned name Abbas Tavish. So without further ado, let's have a look at the song. ओए तुम अजनबी इतनी मदारातों के बाद हुए तुम अजनबी इतनी मदारातों के बाद जुड़ेंगे जुड़ेंगे दिल से दिल कितनी मुलाकातों के बाद हुए तुम अजनबी हुए तुम अजनबी कितनी मदारातों के बाद हुए तुम अजनबी हुए तुम अजनबी कितनी जैसे शुरू में कहा था देयर इज अ स्पेशल प्रेजेंटेशन दैट वी विल बी शोइंग यू। मैं गुजारिश करता हूं टू आवर स्टार्स हु आर प्रेजेंट अगर आप लोग काइंडली मंच पे आ सके। मिकाल जुल्फिकार इफ ही इज इन द हाउस, सोहेल अहमद साहब, महमूद असलम साहब, शमूद अब्बासी साहब एंड ऑफ कोर्स
Kamran Shahid himself. Please, if you could all step down. Thank you so much, Kamran Shahid sir, about the Madras where you were born today. I'm sure if you are fit in the galaxy of stars that you were born there yesterday, it was a zabardast kaam jiski humne abhi chhalak dekhi hai. Yaqeenan ye naya baab rakam kiya hai Kamran Shahid sir ne, kyunki hassas siyasi aur hamari apni tareef ka ek bhai hassas aur nazuk और उसको फिर एक रोमांटिक मूवी में वीव करना इतने लिए बहुत ही रिमार्केबल एफर्ट है, क्योंकि ये सेल्फ हमारे लिए बड़ा गहरा जख्म है जो 1971 के वाक़ है, और उन 1971 के वाक़ात को एक रोमांस के अंदर वीव करके कौम के सामने रखना और कुछ ऐसी हकीकतें सामने लाना जो कि शायद हम प्रोपेगेंडे के दौर में उनसे वाकिफ नहीं है. मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कमल शाह साहब ने जिनका ये डेब्यू है, सबसे बड़ी बात तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये शानदार उम्र के मेरे लिए बहुत ही ट्रिमेंडस सरप्राइज की इतना जबरदस्त ही काम नजर आ रहा है इसमें, और उसमें चाहे वो डायरेक्शन है, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो दूसरे जो फनून है इस फिल्म के उसमें जो चीज़ जिस तरीके से, और ये बिल्कुल एक इंटरनेशनल लेवल का एक काम नज़र आ रहा है जो कि हर लिहाज से प्रेजेंटेशन है एब्सोल्युटली फर्स्ट क्लास मूवी जिसको कहते हैं या इंटरनेशनल मूवी जिसको कहते हैं, और इन्होंने एक बहुत बड़ी एफर्ट है. आई नो कमल शाह साहब ये पिछले कई सालों से दो तीन साल से मुसलसल दिन रात से इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए, और मैं अब देख के इसकी झलक देख के समझ में आया कि वाकई ये इतना बहुत ही मुश्किल और एक बहुत ही डिफिकल्ट काम भी है, और इसका स्क्रिप्ट भी है, और इसका मौजू भी है, और हर लिहाज से इसको प्रेजेंट करना और इसको फिर इस माहौल में एयर करना, फिर उसको जाहिर है कि इंशाल्लाह ये दुनिया भर में जाएगी मूवी, तो ये एक अक्कासी भी है हकीकत की, एक तस्वीर के एक रुख की, और एक रुख हम इससे पहले भी देखते रहे लेकिन उसको इस अंदाज में हमारी नौजवान नस्ल और हमारी दूसरी नस्ल के लिए पेश करना ये भी एक बहुत अहसन काम है. और मैं दिल की गहराइयों से तमाम कास्ट जो यहाँ मौजूद है, जो यहाँ मौजूद नहीं है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ. बिल्कुल दिल से मैं कहना चाहता हूँ कि इट्स रियली अ फैंटास्टिक जॉब विच यू गाइस हैव डन, और हमेशा का आपका, और खास तौर पे आप साथ दादे हैं जिन साहब के ऑब्वियसली शाह साहब, तो वो भी बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने आपको जन्म दिया और आपने मम्मी को जन्म दिया. मेरे माता हमारे लिए जाहिर है बात करते हैं, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको और तमाम खवातीन को. बहुत बचपन से तो नहीं कहूंगा माइंडा करते बहुत बॉन्डिंग है मेरे वालिद साहब की वजह से. एट मैटर ऑफ ऑनर ऑफ शीप लाइन प्लीज आपकी राय जरूर सुनना चाहिए. थैंक यू वेरी मच कामरान, आपने बुलाया बहुत खुशी हुई, और सच बात है जैसे कामरान खान साहब ने कहा कि जिस की गोद में आप परवान चढ़े हैं वो खुद इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं कि यकीनन आपको ये काम करना चाहिए, ये आपसे होना चाहिए काम. हाँ, ये मेरे लिए गैर मुतवक्को नहीं है, लेकिन जिस तरह के काम डेली आप करते हैं उसके साथ साथ इतना बड़ा काम करना है बहुत बड़ी बात है. ये जो मैं इस वक्त मैंने अभी तो सिर्फ छोटे छोटे उसके सीन्स देखे हैं, हम वो लोग हैं कुछ जो यहाँ सारे बैठे हैं उनमें से जिन पर ये वक्त गुजरा, ये सानहा गुजरा, हमने ये जख्म खाया, हमने इस तारीख को तब्दील होते देखा, हमने इस जोग्राफी को बिगड़ते देखा, और उस वक्त एहसास हुआ कि जो कौमें अपनी तारीख याद नहीं रखती उनका जोग्राफिया बिगड़ जाता है. तो आज आपकी तारीख याद दिला रहे हैं इसकी जरूरत है. तो सबसे
बड़ी बात। और दूसरी बात ये कि यहाँ जो आपने कुछ सीन दिखाए तो मुझे बड़ी अपनी पुरानी बात याद आ गई कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट बनना चाहती थी और मैं ईस्ट पाकिस्तान गई थी, वेस्ट पाकिस्तान के कोठे पर, मुझे वहाँ चटगांव मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। मैंने वहाँ थोड़ा वक्त गुजारा था और फौरन ही वहाँ ये हादसा शुरू हो गए तो मुझे वापस आना पड़ा। तो वहाँ की जो एक सोच और एक मेरे जहन में थॉट थी वो मैंने आपके में महसूस की, ख़ास तौर से अली ज़फ़र का गाना जिसका आपने इस वक्त फिल्माया है और जिस खूबी से उसको पेश किया गया है। अब 11 गाने वो कौन से हैं इससे भी ज़्यादा वो पता नहीं क्या होंगे, लेकिन बहरहाल मुबारकबाद आपको पेश करूँगी। एक तारीख को आपने पेश किया है जिसकी ज़रूरत है और उसके साथ आपने एक रोमांस को मिला के रोमांटिक स्टोरी बनाई है। मेरे ख्याल से तो इस फिल्म को हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे तालिब इल्मों को देखने की शदीद ज़रूरत है और उन्हें ला के दिखाना चाहिए ताकि वो देखें कि असल में हुआ क्या था, क्यों हमने एक चीज़ खोई थी और उसकी वजूहत क्या थी। तो ये फिल्म बनाने पर मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ शाहिद साहब को। सबसे पहले तो कामरान के लिए बहुत सारी दुआएं और मैं कहूँगा कि खून ने ज़ोर से ठाटे मारी हैं जो चीज़ें हमें नज़र आई हैं। सो शाहिद साहब यहाँ होते तो ऑब्वियसली उनसे मिल के बहुत सारी बातें होती, पर हम आजकल के दौर में चाहे वो सोशल मीडिया है या वो पोर्टल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिसमें बहुत सारी हिस्ट्री को ट्विस्ट करके हमारे ऊपर थाप दिया जाता है और हम भुगत भी रहे हैं। गुंबद टाइप चीज़ें बना के वो हमारा एटॉमिक प्लांट होता है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं और कुछ भी हो जाता है तो वो हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। पर ये एक अमानत जो कामरान ने अपनी फिल्म के थ्रू नई जनरेशन के लिए पेश की है, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। और हम सभी शमून मेरे साथ बैठे हैं, हम अक्सर यही बात कर रहे होते हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर द न्यू जनरेशन, जहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो बच्चे हैं या जो आपके जवान हैं उनको बताया जाए कि पाकिस्तान किन किन चीज़ों से गुजरा है। और हमारे पास तारीख की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिनको पेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस पर्सपेक्टिव से वो कहानियाँ हमारे यंगस्टर्स तक पहुँच रही हैं, तो कोई भी आके बैठता है और पाकिस्तान के बारे में कुछ भी बोलता है तो हम तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक हम सबको मिल के इस चीज़ पे काम करना चाहिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू कामरान, द एंटायर टीम ऑफ ओएम अजनबी, स्पेशली द प्रोड्यूसर्स, द डिस्ट्रीब्यूटर्स, एवरीवन, द एंटायर कास्ट इज आउटस्टैंडिंग। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इधर शमून बैठे हैं, सोहेल साहब बैठे हैं, अली बैठे हैं, महमूद असलम साहब हैं, सो सभी की परफॉर्मेंसेज बड़ी ज़बरदस्त हैं, आउटस्टैंडिंग एक्टर्स हैं। और जो काम हमने देखा है वो ऑब्वियसली जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस वक्त सिनेमा में आके देखना, मैं कामरान को अभी कामराम से काम में कर रहा हूँ, फिल्म लग रही है बॉस, फिल्म लग रही है। तो फिल्म इंटरेस्टिंग कैसे करनी है उसके लिए दो कैरेक्टर्स प्लॉट करके सारी प्लॉटिंग एडिट करना, दिस इज वेरी इंटेलिजेंट मूव बाय कामरान, सो विश यू ऑल द बेस्ट। पर मैं आप लोगों से कहूँगा प्लीज जरा लोगों को बताएं, स्प्रेड करें, फेसबुक पे अपने दोस्तों को बताएं, इंस्टा पे, सो जिन जिन लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं ताकि जितनी स्प्रेड होगी बात लोग सिनेमा आए। लोग बहुत अरसे से सिनेमा नहीं आ रहे हैं, हमारी पिछली एक फिल्म थी मौला जट जिसमें लोग निकले, सो आई रियली वॉन्ट के फिर आए लोग और फिर आके सिनेमा की तरफ रुख करें, फिल्म देखें एंड सपोर्ट करें पाकिस्तानी सिनेमा को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जुबैर साहब। जुबैर साहब पर्सनल कैपेसिटी में आए हैं, ठीक है। कामरान एक तो बहुत बहुत मुबारक हो, और मुझे ये भी पता है कि कामरान ने बहुत ज़्यादा मेहनत की पिछले दो तीन साल में, दो तीन दफ़ा मौका मिला जहाँ इसकी शूटिंग हुई है दिल्ली में, इनके लाहौर में ज़बरदस्त जगह है, वहाँ इन्होंने सबसे पहले हमें दिखाए कुछ ट्रेलर्स और इनके घर पर भी लाहौर में, और
نیچرل بات تھی کامران شاہد کو، ظاہر ہے ان کے والد صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے ون آف دی گریٹسٹ ہیروز پاکستان ہیز پروڈیوسڈ، تو ان سے کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر ناٹ اونلی یہ فلم کی شروعات تو انہوں نے بعد میں کی ہوگی، لیکن ایز اے اینکر میرا خیال ہے کہ ایک سب سے مختلف تھے کہ آپ انڈیا جا کے لتا کا بھی انٹرویو کیا، دلیپ کمار سے بھی ملاقات کی، اور دوسرے بڑے جو بڑے بڑے نام ہیں ان کو اپنے پروگرام میں، اور ایک ان کا جو میرا خیال ہے جو آل ٹائم ہٹ پروگرام تھا جو اپنے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا تھا پچھلی عید پر شاید، دیٹ واز ورتھ واچنگ. اینڈ یہ 71 کے حوالے سے ظاہر ہے پاکستان کی ایک ہسٹری کا ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایونٹس ہے، اور اس کو جس طرح خوشبخت نے کہا ہم نے بھی کافی قریب سے دیکھا، میرے والد صاحب خود اس کا حصہ تھے، تو ظاہر سی بات ہے ہم نے ہسٹری کو دیکھا بھی تھا اور پڑھا بھی ہے ایکسٹینسولی، اور جس طرح فیصل نے بھی کہا کہ تھوپا جاتا ہے کافی چیزیں، میرا خیال ہے جب ڈبیٹ ہوتی ہے، جب ایسی چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں تو اس پر ایک میننگ فل ڈبیٹ بھی ہونی چاہیے، ہر ایک کا اپنا اپنا ویو پوائنٹ بھی ہے، 50 سال سے زیادہ ہو گئے تو اموشنس بھی تھوڑے سے کم ہو گئے، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایسے فلم، ایسے موضوع پر فلم بنانا، اپنی ایک تو یاد تازہ کرنا صرف یکسرز کو، سب کو دیکھنا چاہیے اور اپنی اپنی رائے دینی چاہیے اور ڈبیٹ بھی ہونی چاہیے، اور کامران نے شاید کامران خان نے بھی کہا تھا کہ آپ نے شروعات کی تو میرا خیال ہے وہ اینکرنگ تو کرے گی نا، اور وہ آسان بھی ہے، 4 دن صرف جانا پڑتا ہے. So, best of luck. Thank you so great much. Great initiative and all the best. My one-time weather friend, Kasi Wadas, ma'am. They give personal capacity. Vaisi nahi ki capacity is kuch bhi nahi hai. In kapti hi capacity hai. Baagi hai. Thank you so much. Thank you. Thank you. Well, sir, please.
مگر بس آپ کے پاس کاسٹ اگر آپ لوگ بات کرنی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ریپ اپ کرتے ہیں۔ مگر بس بہت بہت شکریہ کامران، سب سے پہلے آپ کو مبارکباد ہوتے ہیں۔ ایک بہت مشکل ٹاپک ہے پاکستان میں، اور جنرلی ہمارا یہ المیہ رہا ہے کہ ہم تاریخ اپنے مطلب کی لکھنا چاہتے ہیں۔ تاریخ بڑی تلخ ہوتی ہے، اس تاریخ میں بھی کچھ چیزیں مجھے مسنگ نظر آئیں۔ میرا خیال ہے ہم نے تاریخ کا ایک پہلو اس میں دکھایا ہے، تاریخ کا ایک اور پہلو بھی ہے اس کے اندر جو شاید مسنگ نظر آتا مجھے۔ مجھے اس میں بہت خوبصورت پریزنٹیشن ہے، لیکن جو چیز مسنگ لگ رہی تھی وہ بنگالی میلوڈی مسنگ لگ رہی تھی مجھے۔ اچھا وہ ہے، وہی سر آپ کے لیے آپ کے پتہ میں وہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیونکہ پاکستان گالی پڑے گی، پاکستان میں ٹریلر ہی چلتا ہے، فلم کم چلتی ہے، تو کیونکہ اگر آپ نے مکمل فلم دکھا دی تو شاید فلم نہ چلے۔ لیکن یہ بہت ہی بہت ضرورت تھی اس کی، اس چیز کی۔ اس پر بہت سی ٹی وی سیریل بھی مجھے یاد ہے، بنگالی مطلب 70s کے بیک گراؤنڈ میں ایک سیریل یاد ہے، غالباً عمران اسلم کی تھی یا کون سی تھی وہ، مکے بچھڑے، آپ کے بچھڑے۔ لیکن یہ کہ فیض صاحب کی نظم کو پک کرنا، اور یہی اجنبی، اور یہی پورا پوری ہسٹری ہے۔ یہ ایک مصرع جو ہے یہ دراصل پورے بنگلہ دیش کی ریفلیکشن ہے، اور وہ المیہ ہے کہ جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آخر ایک اکثریت اقلیت سے کیوں الگ ہو گئی، اس کی وہ کیا ٹریجڈی تھی۔ ظاہر ہے جو آپ کا دشمن ہے اس کا تو آپ سے فائدہ اٹھانا ہی ہے، تو اس کو میوزیکل انداز میں پریزنٹ کرنا وہ زیادہ کیچی لگا مجھے۔ جو علی ظفر کا گانا تھا اس میں، اور اس کی جو پوری پریزنٹیشن جو 12-13 منٹ کی فلم، ظاہر ہے پوری دیکھنی پڑے گی اس میں بفور ون کین ریویو ایکچولی وہ ہے، باقی سانگس کس طریقے سے پریزنٹیشن ہے، لیکن جو ابھی دیکھا بہت پاورفل تھا، بہت کیچی تھا، اور یقیناً لوگوں کو پسند آئے گی ہوپ فلی، کیونکہ ایک عام مزاج سے ہٹ کے فلم بنائی ہے اس میں، تو ایک رسک بھی ہوتا ہے، ایک رسک ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، اور شکریہ سر ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک کردار مجھے نہیں پتا فلم میں ہے یا نہیں ہے جو مجھے مسنگ لگا، وہ جزم یا خان کا کردار، وہ اگر مسنگ ہے تو گاٹ ٹو مسنگ ہے، نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر پھر آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے، یہ انہوں نے بات صحیح کی، فیض احمد فیض صاحب جو ہے میرے دادا کے بچپن کے یار دوست تھے، انہوں نے ساری زندگی ہماری حویلی میں گزاری، جس کا انہوں نے بڑی بڑی پوئٹری ہمارے گھر میں لکھی ہے فیض صاحب۔ تو فیض صاحب سے میرے دادا کی دوستی تھی، وہ بہت ہی ایک انپریسیڈنٹ دوستی سے کہتے نا، بہت ہی کلوز، ایک کمرہ ان کے لیے مختص تھا جو میرے اس گھر کا ڈرائنگ روم ہے، وہ کے لیے مختص تھا۔ اور جب ان کو آئی تھنک کینسر کے لیے انگلینڈ یا امریکہ تھے، تو ان کی وائف کو میرے دادا لے کے گئے، تو فیض صاحب کے ساتھ اٹیچمنٹ ہماری فیملی بانڈنگ ہے۔ اور ان کی یہ غزل جو تھی ہم پہ ٹھہرے اجنبی، یہی میں نے سوچا اور اس کو کنسیو کر کے عباس طابع صاحب سے لی ہے۔ یہ جو پہلا مصرع ہے یہ میرا اپنا ہے، لیکن فیض صاحب سے لے لیا، اور باقی جو نظم ہے وہ عباس طابع صاحب نے لکھی، بہت اچھی لکھی ہے اسی زمین میں جس زمین میں فیض صاحب کی تھی۔ کوئی کوشچن اگر آپ کے ہیں ہماری کاسٹ سے میرے علاوہ سے ضرور کر لیں، ادر وائز ہم میڈیا ہال میں بھی جا سکتے ہیں، اپ ٹو یو۔ سوالات ہیں مائک دیں۔ بہت شکریہ ویسے کراچی والوں کا پھر اتنا وہ ویلکم رسپانس دینے کا، اور آپ کی پریزنس اسپیشلی محمد سر، لیاقت عباسی از ہیئر۔ میرا سوال جو ہے وہ مظہر عباس سر سے ہے۔ وہ مظہر عباس سر کو نہیں، میں کاسٹ کے آگے ہی سوال رکھتا ہوں، کیونکہ مظہر عباس صاحب نے ایک بات کی وہی کہ اکثریت نے اقلیت سے کیوں علیحدہ کیا اختیار کی، تو میرا کاسٹ کے آگے وہی سوال ہے، میں اس کو رپیٹ کروں گا، کائنڈلی اس کو آپ ایکسپلین کیجیے۔ یہ تو ایک ہو گیا فلسفیکل پولیٹیکل، فلم کے اوپر اگر بات کر لیں۔ چلیے سر، سوال آپ کا بہت اچھا ہے،
लेकिन अब ये डोमेन आ चुका है, करो इस प्रेजेंटेशन पे या फिर चले इसको छोड़ दे। आप ये दूसरा सवाल है कि फिल्म रिलीज कब हो रही है? सर एंड में दिखाई जो फितर आप क्या खोद रहे हो? ईदुल फितर 2023 बहुत अच्छा सवाल किया वैसे आपने। हेलो सर, दो तीन और सवाल करते हैं। हमारा सवाल ये है कि अगर इस फिल्म की जो फिल्म आप बना रही है अजनबी अजनबियत दूर करने के लिए, तो बेहतर ये होता कि जॉइंट वेंचर बनता बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर, ताकि अजनबियत दूर हो। बांग्लादेश में भी वीजा वगैरह का प्रॉब्लम है, लेकिन हमने बंगाली भाइयों के साथ मोहब्बत ही की है। मतलब इसमें यह है कि बंगाल से तो हमारा वैसे भी कोई झगड़ा नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी, वो लोगों के दरमियान तो नहीं थी, लेकिन इसको मैंने ज्यादा पॉलिटिकल रखा नहीं है। वो मदर बाद साहब क्योंकि एक जर्नलिस्ट है, वो उसको उसी तरह देखेंगे, कामरान खान साहब उसको देखेंगे, लेकिन ये एक रोमांटिक इंटरटेनिंग फिल्म है, इसको पॉलिटिक्स का चक्कर मेरा पड़ा है, इसमें पॉलिटिक्स कोई नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो कामरान साहब जी, बाकी कास्ट से भी कुसुइल अहमद साहब है, शबूत साहब, अली खान साहब। अली खान साहब जी, सर आप मौका दे हमें सवाल करने का प्लीज। कामरान साहब, मेरा नाम सागर बलोच, मैं पाकिस्तान के वीकली निगार से मेरा ताल्लुक है। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि इस टाइप की फिल्में, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क प्रोपेगेंडा मूवी बनाता है, आपको देखकर, आपका काम देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। खासतौर पर जिस तरह जेपी दत्ता और प्रकाश झा की फिल्मों में जो ये अवामुल नास आपने दिखाई है, नॉट बहुत बेहद खुशी हुई। लेकिन कतः कलामी की माफी, वाडा साहब आपसे एक सवाल है, क्योंकि आपने हेलीकॉप्टर और ये जो गन शॉट, आप क्या इस फिल्म के पसे पड़ता प्रोड्यूसर? वो मेरी प्रोडक्शन इस हद तक जरूर है कि जो रोमांस साहब ने इसके अंदर ऐड किया उसमें जरूर मेरा 2% जरूर होगा, क्योंकि जब हम स्टूडियो जाने से पहले बैठ के बात करते हैं, रोमांस भी बात करते हैं। थैंक यू सर, आप इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज करेंगे पे? या सर अभी नेशनल, इंशाल्लाह इंटरनेशनल और बड़ी फिल्में हो रही है, मैं नेशनल फोकस करूंगा। थैंक यू सो मच। मेरे इंटरनेशनल वाले आज एक नहीं आए, कोई इंटरनेशनल में गए हैं। कोई और क्वेश्चन तो नहीं? चले फिर जी, मेरा एक सवाल है कि जैसे महमूद साहब उन्होंने मुझे वो रहमान के कैरेक्टर, अच्छा एक मैं बता दूं, जो फैजल भाई ने बात की है वो बड़ा भाई ने, ये जो आपको ऊपर जेस्चर्स नजर आ रहे हैं, इन्होंने इशारा किया कि कहीं से एक बहुत बड़ी सपोर्ट, वो अब तो हॉलीवुड वीएफएक्स हो गया भाई, अब तो सर आप बड़ी पता इस बात ये पता नहीं। हेलो सो बेसिकली मेरा सवाल ये था कि जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज है उनके कैरेक्टर में आने के लिए किस तरह प्रिपेयर किया कास्ट? ये तो आप मेहबूब साहब आप जवाब दें सर, और ओके पॉलिटिकल तो आप ही हैं पूरे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर बात यह है कि जो करेक्टर हमारे डायरेक्टर्स या राइटर्स जो खुद क्रिएट करते हैं ना जी, उनको पोर्ट्रे करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये जो हिस्टोरिक पर्सनालिटीज है ना जी, इनको कॉपी करना या एज इट उनको करना, ये सबसे मुश्किल काम है। तो उसमें ये इसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च वर्क जो है वो कॉपी करता है, उसके लिए शाहिद साहब ने बहुत बल्कि मैं एक वाक्य छोटा सा सुना दूँ आपको। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे कॉल की तो मैंने यार बच्चा जो है लम्बा मुंडा है मैं अपने काम में, मतलब इतना जुनूनी प्रोड्यूसर, इतना जुनूनी डायरेक्टर राइटर मैंने अपनी इतने 45-47 साल जिंदगी में नहीं देखा। ये आदमी रात को 11 बजे अपना लैपटॉप शैपटॉप उठा के से पता चला कि मैं लाहौर आ गया, ये उठा के मेरे घर आ गए, और उसके बाद जो रिसर्च इन्होंने की हुई थी शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर, इन्होंने एक एक डिटेल एक एक चीज निकाल के मेरे सामने रखी। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि मेरे करेक्टर का जो क्रेडिट है वो शायद साहब को जाते हैं इनके रिसर्च पर। मैंने छोटी सी कोशिश की है आपकी तरफ से, तो इंशाल्लाह देखें अल्लाह उसको इज्जत दे दे। बस अगर मैं सोहेल साहब से एक सवाल पुट कर दूं, सोहेल साहब इतने गंभीर पंजाबी मर्द हैं आप, या आपने पूरा जो चेंज किया जेंडर, कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? उसके बाद अली खान साहब से सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरे लिए तो चैलेंज नहीं था, इतनी खलारे वाले मर्द को इस रूप में डालना, ये तो मेकअप आर्टिस्ट के लिए चैलेंज था। तो वो
میں تھوڑا سا نا جی یہ ایک دو باتیں یہ کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کامران شاہد صاحب کی, یہ فلم میکنگ کی جب بھی ذکر ہوتا ہے تو شاہد صاحب کا ساتھ ذکر ہوتا ہے. میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ میں ان کی فیملی کا ایک پارٹ ہوں, میری ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بھائیوں والا ہے. میں ان کو بڑی دیر سے جانتا ہوں, بلکہ یہ جو ہارڈ کور ایک نیوز چینل پہ نیوز شو کر رہے ہوتے ہیں کرنٹ افیئرس کے حوالے سے, یہ گھر میں اور فیملی میں بالکل مختلف آتی ہیں. تو شاہد صاحب کا جو ان کو میرا حال ہے ان کے اندر جو حصہ ہے وہ صرف پیدا کرنے والا ہی ہے, اور یا ان کی تربیت بطور ہارڈ ورکر. مجھے یاد ہے کہ یہ گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے, اگر یہاں کوئی اولڈ راویان بیٹھا ہوگا تو ان کو یہ معلوم ہوگا وہاں پہ یونیفارم کے حوالے سے بڑی سختی تھی. تو ان کو یہ وہاں پہ اسسٹنٹ پروفیسر تھے, تو وہ وی سی صاحب نے ان کو یہ سوشل ایکٹیویٹیز وہاں پہ یا سوشل لاز جو ہیں اس حوالے سے ان کو چند چیزیں جو ہیں ان کا انچارج بنا دیا, اور یہ یونیفارم کے بھی انچارج ہوئے. تو ان کا سگا چھوٹا بھائی جو ہے وہ ایک دن یونیفارم پہن کے نہیں آیا, تو وہاں پہ اس وقت میکسیمم فائن یہ کر سکتے تھے 500 روپیہ, تو انہوں نے اسے 500 روپیہ فائن دیا, جس پہ ان کے گھر میں بڑا ان کو ہارڈ ٹائم دیکھنا پڑا. ابو کی طرف سے بھی انہوں نے کہا نہیں جی میری ڈیوٹی ہے, میں اس لیے میکسیمم کیا کہ یہ اس نے میرے بھائی ہونے کا فائدہ اٹھایا. یہ لوگ جو کام کرتے ہیں نا جی, یہ جو فلم بھی انہوں نے کی ہے میں تو اس کا حصہ رہا ہوں بہت دیر, ہم جا کے ویسے بھی بیٹھتے تھے. تو شاہد صاحب نے اور انہوں نے اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کیا, انہوں نے ڈائریکشن میں بالکل کوئی حصہ نہیں ڈالا, انہوں نے ان کی ایکٹنگ میں ایز ڈائریکٹر جتنا ان کو انہوں نے بتانا تھا وہی بتایا. تو یہ ان کی تربیت ایسی ہے اچھا اور محنت سے کام کرنے والی, ماشاءاللہ. ان کی مدر جو ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں, وہ بھی ماشاءاللہ ان کی تربیت ایسی ہے کہ کام جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا جی کسی بھی کامیابی کے اندر, کسی بھی مرد کی کامیابی کے اندر اس کی تربیت کا بڑا ہاتھ ہے. فی الوقت جو زمانہ چل رہا ہے, جیسے ابھی واڈا صاحب فرما رہے تھے, تو میں واڈا صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم بھی جب غلط ایکٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں بھی گالیاں پڑتی ہیں, صرف سیاستدانوں کو نہیں پڑتی پر ہمارے بھی پیسے بند ہو جاتے ہیں اگر ہم کہیں غلط کریکٹر کر رہے ہیں. صاحب ان کو یہ واڈا بھائی کو یہ پتا نہیں کہ ہم ان سے زیادہ سب زندگی گزارتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, یہ چینجز جو ہے یہ کرنی چاہیے, فیس کرنی چاہیے. تو یہ انشاءاللہ یہ جو انہوں نے لو اسٹوری بنائی ہے اور یہ مشکل پیرائے میں اسے پیش کیا ہے, ارد گرد اس کے جو لو اسٹوری کے سراؤنڈنگ آپ کو رول نظر آ رہے ہیں ہسٹوریکل سارے, وہ ڈیفینیٹ ان کی اپنی ریسرچ ہے. یہ ماشاء اللہ انٹرنیشنل افیئرس میں انہوں نے ایم فل انگلینڈ سے کیا ہوا ہے. اور ایک اور آپ کو آج بات بتاؤں کہ انہوں نے انگلینڈ میں اپنی یونیورسٹی میں رہ کے کتاب لکھی تھی گاندھی, اس کو وہاں پہ رول آف آنر بھی ملا. تو یہ ویسے آپ کو نئے نئے لگتے ہیں, یہ بڑے پرانے کھو چلا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ جو انہوں نے محنت کی ہوئی ہے, محنت اتنی کی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے کئی جو ہے نا جی سین کو ری شوٹ, وہ یہ مطمئن ہونا جو ہے کسی کام سے جلدی وہ ان کے نہیں ہے عادات میں, یہ ڈی ایچ ایم کی نہیں ہے. یہ ماشاء اللہ بڑا اچھی محنت کے ساتھ انہوں نے بنایا, اور میرا رول بھی جو ہے وہ انہوں نے مجھے بڑا گائڈ کیا اس میں. سارے ڈائریکٹر کرتے ہیں مگر انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا کہ میں ان کا بھائی ہوں, یہ بدید ڈائریکٹر ہے ماشاء اللہ. اور خاص بات جو ہے نا جی, مجھے تو یہ محمود اسلم صاحب بھی اس کو سیٹنگ کریں گے, بڑی دیر کے بعد اچھا ڈائلگ لکھنے والا بندہ آپ کو نظر آئے گا, بڑا اچھا ہے. خان صاحب نے ایک بڑا زبردست رول کیا, وہ آپ کو رول کی متعلق اس لیے بتائیں گے کہ وہ سرپرائز ہے, لیکن جس چیلنجز سے انہوں نے رول کیا بڑا چیلنجنگ رول تھا اس کے متعلق اگر علی بھائی کچھ بتانا چاہیں تھوڑا بہت, کتنا چیلنج تھا, کچھ تھوڑا بہت بتانا چاہیے. رات کے ٹھنڈ میں ہم نے یہ رول شروع کیا تھا, موٹے موٹے سویٹرز پہننے تھے,
लाहौर कैंटोनमेंट में आपके सामने सिख के हमने एक्टिंग की, बड़ा मजा आया। रात को चीपों में उड़े, काफी कारनामे किए, लेकिन वो करते करते फिर समर बन गया और समर में जब उन्हीं स्वेटर्स को दोबारा पहनना पड़ा तो वाकई पसीने की कमाई इन्होंने कमाई। कामरान भाई, कामरान शाह भाई, अफ्तार अली अफ्तार यार। जी, कामरान भाई आपसे सवाल ये कि आपने क्या डायरेक्शन की कोई तरबियत हासिल की, इस फिल्म की डायरेक्शन दी है और ये जो इसमें ऐसे एक्टर हम आपको क्यों नहीं देंगे, लुकिंग स्मार्ट है, दोनों वजह आते हैं। महारत वैसे आ जानी चाहिए जो हम इनके शोर से गुजरते हैं वो आपको पता नहीं है। अच्छा सर, आपको नहीं वैसे सर, डायरेक्शन की आप कह रहे हैं, मैंने तो कभी शाहिद साहब बड़े कंजर्वेटिव आदमी है, उनका जो भी इमेज प्रेस में, तो हमें तो कभी स्टूडियो में जाने की परमिशन नहीं थी, देखे नहीं मैंने किसी ब्रेक रूम काम करते हुए। और मेरा छोटा भाई जो है उसने एनसीए से ग्रेजुएशन की है फिल्म में, तो मेरा तो उनको ह्यूमैनिटीज का था, पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, फिर मैं बाहर चला गया पढ़ने, तो मेरा डायरेक्शन से सच कोई ताल्लुक नहीं है टेक्निकली, ना कोई एजुकेशन ली है और ना किसी डायरेक्टर को काम करते हुए देखा है, कभी स्टूडियो के अंदर ही नहीं जाकर देखा। क्या ये गॉड गिफ्टेड है? नहीं, और वो तकरीबन इसी मौजू पे थी, लेकिन उसमें वो हम फिल्म देख के शायद ये समझ रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी उसमें लग ये रहा था कि मजबूरियां है, वो दिखा नहीं पा रहे थे भारत का जो पाकिस्तान के बांग्लादेश, ये मेरा काम नहीं है, मैंने इसको लिखा है एज अ प्रोफेशनल रोमांटिक फिल्म के तौर पर, उसमें पॉलिटिक्स है, लेकिन आपको जिस फिल्म में 11 रोमांटिक गाने हो आप सोचे उसमें जितनी गुंजाइश है पॉलिटिक्स की उतनी है, लेकिन ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो आई थिंक कमाल साहब, थैंक यू वेरी मच, व्हाट अ वंडरफुल जॉब यू हैव डन सर, थैंक यू। भी ये मूवी तो नहीं देखी, लेकिन मूवी का जो फर्स्ट जनाब इमेज आज जबरदस्त था, और आई थिंक ये पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त कामयाब होनी चाहिए, और एक बड़ी अच्छी चीज है पाकिस्तान का जो पॉजिटिव परसेप्शन है दैट नाउ वी आर वेरी गुड डायरेक्टर शाहिद कमाल की साहब की शक्ल में सर, और एक मैं सोच रहा था अपने इंडियन दोस्तों को मैसेज इंदिरा गांधी का, जिसमें वो प्राइड लेते हैं ना बंगाली नेशनलिज्म, उसको उसी तरह दिखाया है। मजहर अब्बास साहब ने जो बात की, मैं थोड़ा उसका रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। अब हॉलीवुड में जितनी फिल्में बनी है, द गन्स ऑफ नेवरॉन जो बनी, उसमें उन्होंने यानी कि वर्ल्ड वॉर टू में जितनी फिल्में बनी उसमें हिटलर को पागल ही दिखाया। मैंने शेख मुजीब को पागल ही दिखाया भाई, ना मैंने इंदिरा गांधी को मैंने दिखाया। फिल्म जब आप बनाते हैं जिसमें आपकी हिस्ट्री का कोई भी हिस्सा आ जाए, अब आप अगर मुझसे ये एक्सपेक्ट करें कि मैं हॉलीवुड के पैरामीटर्स को छोड़ के जर्नलिस्टिक पैरामीटर्स लगा दूं, दैट वुड नॉट बी अ फिल्म। तो ऑब्वियसली आपको उसके अंदर रह के काम करना होता है, और मैं आपको 20 फिल्में बता सकता हूँ जो वर्ल्ड वॉर टू या वर्ल्ड वॉर के ऊपर बनी, और बड़ी 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 फिल्में, मतलब गन्स ऑफ नेवरॉन या ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म है, उसको आप उसके उसकी पॉलिटिकल साइड को छोड़ दे, आप एंजॉय कर रहे हैं फिल्म, अगर एंजॉय करें ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है रिजेक्ट करें, घरों को जाए नई फिल्म का इंतजार करें। दिस इज व्हाट, बाकी अगर आप जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे अगर जर्नलिस्ट को भी रखेंगे, जो कि हम नहीं रखते, तो मेरे ख्याल से 80% जर्नलिस्ट वैसे ही फारिग हो जाएंगे। मैं अभी पॉलिटिकल जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं, शोबिज के जर्नलिस्ट का तो मेरा इतना वास्ता नहीं पड़ा, शायद साहब को ज्यादा पड़ा। तो उस क्राइटेरिया में वहां हमने यूनिटी बनाई हुई है कि एक चैनल का दूसरे चैनल पर स्कैंडल नहीं चल सकता, वहां पे कोई वो नहीं है, कोई एक जनरल दूसरे जनरल की बात नहीं कर सकता। तो
मेरा ख्याल से मेरी फिल्म को भी उसी क्राइटेरिया पे चेक करें जिसमें आप जर्नलिस्ट अपने आप को इतना इतना मार्जिन दे रहे होते हैं और ओवरलुक कर रहे होते हैं, आप एक दूसरे जर्नलिस्ट की गलती को भी नहीं बता रहे होते, इतने सच्चे होते हैं हम, वो बता ही नहीं रहे होते। एक अनहोली अलायंस है। कुछ ऐसे चैनल हैं जिनके चैनल के मालिक ने मुझे बताया कि हमने बनाया चैनल इसलिए है कि हमारा बिजनेस है तो उसको प्रोटेक्ट करना होता है, तो सर उतने ही हम कर सकते हैं और ऐसी जितनी इस मुल्क में है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव ऑनेस्ट ऑनेस्टी टू ऑल ऑफ यू, चाहे वो फिल्म की सूरत में हो या मेरे प्रोग्राम की सूरत में। उससे ज्यादा कितना कर सकते हो जितना पाकिस्तान में आप कर सकते हैं, उससे आप इतने ह्यूज एक्सपेक्टेशन ना ले पाते। देखेंगे ना वो फिर वो गंगा मेहरा को भी देखेंगे, फिर वो मेरी फिल्म देखे उसके मुकाबले में। टाइटैनिक तो है नहीं की जिसमें कोई शेख मुजीब नहीं था, इसमें तो है, तो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो है इसमें। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो सर, थैंक यू, बहुत जबरदस्त ट्रेलर और बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन हमने देखी। 11 इसमें आपने गाली रखी है, इसमें ऑब्जेक्शन तो नहीं? ऑब्जेक्शन कोई नहीं, माशाल्लाह गीत 12 से कम नहीं लगेगी। और सवाल मेरा ये है कि जिस जमाने को आप दिखा रही हैं वही ये इस फिल्म की एक बड़ी यूएसपी है और वो अट्रैक्ट भी कर रहा है हम सबको, हम उसको देखेंगे। उस माहौल में और उस वक्त में जो शायरी होती थी, उस वक्त का जो खास म्यूजिक था, तो उन सब की झलक हमें मिलेगी बाकी गानों में। और ये क्या चैलेंजिंग था आपके लिए कि उस क्या क्या गुलकार थे, क्या मौसीकार थे और क्या शायर थे उस जमाने के, तो वो झलक हमें मिलेगी। होता ये है कि साउथ को पुराना लगना नहीं चाहिए, चाहे आप जितना पुराना जमाना भी दिखा रहे हो, तो बीसी का इरादा दिखा रहे हो, साउथ तो नहीं लगनी चाहिए ना। हाँ, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ऑब्वियसली मैं 70 के बाद तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया हुआ, ये तो टाइटल सॉन्ग था, इसके अलावा भी जितने सॉन्ग है कोशिश की गई है कि वही ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट्स हो कि जो उस जमाने में बजते थे। बाकी ये है कि आपदा प्रवीण जी ने अपनी आवाज़ दी है, मैं इस्लामाबाद में लॉन्च करूँगा इसका दूसरा गाना और वो भी आवाज का शहर जब सिनेमा में चलेगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। आपको पता है अभिनीत जी का और कंपोज भी उन्होंने किया, तो आपको मजा आएगा सर उनके सॉन्ग्स का। और इसमें तो एक भी आइटम सॉन्ग नहीं सिवाय एक के, जो इसमें सुहेल साहब और शाही साहब है वो मैं अभी रिव्यू नहीं कर सकता, बाकी सारे रेलिवेंट गाने वो मैं निकालना चाह रहा था लेकिन सुहेल भाई ने और शाही साहब मेरे पीछे पड़ गए कि इस पर हम हीरो नजर आ रहे हैं तो इसको आप ना निकालें, तो फिर ऐसे हुआ कि वो गाना रख लिया गया। और बाकी सारे सिचुएशन पे आपको ये लगे भाई यार ये गाना वैसे ही डाल दिया गया बिल्कुल। शमूल भाई साहब से अगर मैं आपको की इजाजत, शमूल भाई आपने बड़ा चैलेंजिंग रोल इसके अंदर किया, अपने थोड़े एक्सपीरियंसेस कराची की ऑडियंस के साथ प्लीज शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे जो अच्छी बात इस सारे प्रोसेस में लगी कि जब मिली कामरान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने जो पहली बात मुझसे की, अमूमन ये होता है कि आपको रोल इस तरह समझाया जाता है कि आप एक नेगेटिव रोल हैं, ने बहुत अच्छी बात है कि जिस मुल्क के आप मतलब दिखाए हैं, आप बांग्लादेशी एक आदमी दिखाए हैं तो आपने वो प्यार कहीं ना कहीं अपने एक्टिंग में दिखाना है कि आप प्यार करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान की नफरत नजर आए जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं मेरा रहे आप लोग देखिए। तो मुझे वो बात बड़ी बारीक लगी क्योंकि अमूमन नेगेटिव रोल्स में करता हूँ और मुझे हमेशा जो भी मतलब मुझे जो ब्रीफ दी जाती है वो यही होती है कि जी आपको इसके अगेंस्ट हैं, आप उसके अगेंस्ट हैं, और भी मेरी मूवीज आ रही हैं जिसमें, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने एक थिन लाइन रखी हुई थी कि जब आप अपने जोन में होंगे, जब आप अपने इलाके में होंगे तो आपकी जो आपके जो फीलिंग है अपने मुल्क के लिए वो एक पॉजिटिव नजर आनी चाहिए। तो उस चीज़ ने एक डायमेंशन दी मेरी एक्टिंग को और माशाल्लाह जितने भी सीक्वेंसेज इन्होंने किए मैं रोजाना सरप्राइज होता था। मैं जब सेट पर जाता था तो जो ग्रैंडियर था उन सेटअप्स का और जो ग्रिप थी पूरी टीम की, मैं कामरान साहब के साथ साथ बाकी की टीम जो भाग दौड़ करती थी मैं उनको भी जो है वो यहाँ सराहना चाहूंगा। बहुत मेहनती टीम है कामरान साहब की और बड़ी फोकस टीम थी, 400-500 आदमी मेरे सेट पे कम से कम हर वक्त होता था, यानी एज एन एक्स्ट्रा एज एन एक्स्ट्रास और बाकी अरेंजमेंट। तो आई थिंक इतने बड़े स्केल को संभाल कर चलना और जिस आदमी के अंदर अभी फिल्म मेकिंग की कोई बैकग्राउंड ना हो वो एक मैजिकल मोमेंट्स लगते थे मुझे। तो
Kamran Saab is blessed. So thank you with all that, and I'm so proud of you know being part of this amazing movie. बहुत शुक्रिया अगर वीडियो बहुत ही सर एक सवाल सर एक छोटा सर 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 इधर सर सर जी 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 बताएं सर एक सवाल सर मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे जर्नलिज्म के बारे में बात हुई एज अ जर्नलिस्ट या एज अ प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म जी सर सर कितना परसेंट स्टोरी इस फिल्म की फैंटेसी बेस है और कितनी परसेंट स्टोरी इस फिल्म की रियलिटी बेस है बड़ा सवाल है इसका जवाब है ना ओके थैंक यू सर वीडियो बहुत मिला ओए तुम अजनबी ओए तुम अजनबी इतनी मदारातों के बाद ओए तुम अजनबी इतनी मदारातों के बाद जुड़ेंगे दिल से दिल जुड़ेंगे दिल से दिल कितने मुला जनाब इसी तरह का बहुत ही मजेदार किस्म का कंटेंट के लिए देखते रहिए bamtv.pk BAMM अल्लाह हाफिज Bad.